हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपको क्लास 7th की साइंस शुरू करवा रही हूँ। आज हम करेंगे इसका चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। आप पिछली क्लास में 6th में पढ़ चुके हैं कि फूड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथिसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन्स अपना फूड नहीं बना सकते। वे इसे या तो प्लांट्स से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बुज्जो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बुज्जो जानना चाहती है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या इसका तरीका है, इसके अंदर प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसके लिए वे रॉ मटेरियल्स जो यूज करते हैं वे सराउंडिंग्स में होते हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life processes. Nutrients का क्या function है, bodies build करते हैं, growth करते हैं, और हमारे अगर कोई damaged part हमारी body में कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर repair करते हैं। हमारी body को ये energy भी देते हैं, जो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं वो energy भी हमें इन nutrients से ही मिलती है। अब हम करेंगे nutrition. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। क्या है न्यूट्रिशन? ये एक फूड लेने का किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक वे है, एक तरीका है, और उसको यूटिलाइज करना बॉडी के अंदर। हम न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड है हिटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस से जो ऑर्गेनिजम्स फूड बनाते हैं वे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इस वजह से हम प्लांट्स को क्या कह सकते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं वे क्या करते हैं, दे टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। वे प्लांट्स के द्वारा बना बनाया खाना यूज करते हैं, उनको हम बोलेंगे हीटरोट्रॉप्स। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स। पहली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स यूज करके जैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं ऐसे हमारी बॉडी खाना क्यों नहीं बना सकती। Now we may ask where the food factories of the plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of the plants? अब हम पूछेंगे कि food factories कहाँ होती हैं plants की, और क्या food plant के सभी parts में बनता है या कुछ parts में बनता है, और ये प्लांट्स रॉ मटेरियल्स जो हमने अभी अभी कहा कि सराउंडिंग से लेते हैं, तो ये रॉ मटेरियल्स कैसे लेते हैं और कैसे उसको लीव्स तक, फूड फैक्ट्रीज क्या है हमारी प्लांट की लीव्स, और वहां तक ये कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं।
अब हम करेंगे फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लाइफ लीफ। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. अब हम इसमें करेंगे photosynthesis. इसमें हम ये बताएंगे कि raw materials जो हैं, जो photosynthesis के लिए जरूरी हैं, वे कहाँ कहाँ से आते हैं. तो सबसे पहले leaves तो हमारी food factory होगी plant की. Raw materials को तो leaf तक पहुँचना जरूरी है इस process के लिए. तो water और minerals सोइल के अंदर प्रेजेंट है, उनको एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट। और ट्रांसपोर्ट कौन करता है? स्टेम के थ्रू वे लीव्स तक पहुंचती हैं। एयर कहां? एयर में से क्या लेते हैं वे? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर होती है लीव्स के अंदर, वो कहां से होती है? लीव्स के सरफेस पर, लोअर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। और इन पोर्स के दोनों साइड में गार्ड सेल्स होती हैं। आप फिगर देखो, फिगर 1.2C। ये यहाँ पे बीच में स्टोमेटल ओपनिंग दिखा रखी है और इसके दोनों तरफ ये गार्ड सेल्स बना रखी हैं। ये लीफ का पोर्शन दिखा रखा है नीचे वाला, जहां से इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इसमें नीचे आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। बुजो वॉन्ट्स टू नो How water and minerals absorbed by the roots leaves reach the leaves. बुज्जो जानना चाहती है कि जो roots water और minerals absorb करती हैं, वो leaves तक कैसे पहुंचता है? Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. जो water और minerals leaves तक पहुंचते हैं, वे vessels के द्वारा पहुंचते हैं। Vessels क्या हैं? They are like pipes. कहाँ कहाँ होती हैं? Root, stem, branches और leaves में। वे एक continuous passage बनाती हैं nutrients के लिए, ताकि nutrients लीफ तक आसानी से पहुंच सके। इनको वेसल्स बोलते हैं और इनके बारे में हम एक्सप्लेन में आगे हमारा चैप्टर आएगा 11, उसके अंदर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। हमने कहा कि लीव्स होती हैं फूड फैक्ट्री प्लांट की, तो ऐसा क्या खास होता है लीव्स के अंदर कि वो फूड बनाती हैं लेकिन प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो नहीं बनाते? The leaves have a green pigment called chlorophyll. Leaves के अंदर एक green color का pigment होता है, उसको कहते हैं हम chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. ये leaves को help करता है, जो sunlight की energy होती है, उसको capture करने में chlorophyll help करता है. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. और ये energy यूज की जाती है फूड बनाने में। किस किस से फूड बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसमें सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो हमारे रॉ मटेरियल क्या क्या हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर, और सोलर एनर्जी इसमें लीव्स के द्वारा ट्रैप होती है और प्लांट के अंदर फूड की फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। तो क्या है सन? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या आप लाइफ की कल्पना कर सकते हैं? क्या जीवन संभव है धरती पे? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई फूड नहीं होगा। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जितने भी जीव हैं इस धरती पे, सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन जो कि सभी जीवों के लिए बहुत ही जरूरी है, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, धरती पर जीवन संभव नहीं है। Besides photosynthesis, besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. ये चीज आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सिक्स क्लास में। फोटोसिंथेसिस लीव्स के अलावा स्टेम में भी होती है। कैक्टस के बारे में पढ़ा था आपने लास्ट ईयर। कैक्टस जो एक डेजर्ट प्लांट है, उसके अंदर लीव्स या तो एब्सेंट होती हैं या फिर स्पाइन जैसी होती है, कांटों जैसी। उससे लॉस ऑफ वाटर जो है ट्रांसपिरेशन से जो होता है उससे बहुत ही कम होता है, और स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करती है उसमें। आप पेज नंबर 2 पे एक बार बैक करेंगे। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। सेल्स के बारे में बता रखा है इसमें। सेल्स क्या होती हैं? कोशिका, हिंदी में इसको कोशिका बोलते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से बनी होती है, ऐसे ही हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। हम वन सेल के बारे में सेकंड चैप्टर में करेंगे। अमीबा इज सिंगल सेल एनिमल, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आप फिगर देख सकते हैं क्लियरली, इसके बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखा रखा है रेड कलर से, ये इसका न्यूक्लियस है। बाहर ये डबल डबल मेम्ब्रेन दिखा रखा है, ये बाहर इसका सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस दिखा रखा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। आप फिगर 1.3 देख सकते हैं, इसमें डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस दिखा रखा है। इसमें एक प्लांट है, लाइट एनर्जी सन से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल लीव्स के अंदर है। वाटर और मिनरल्स इसको रूट से सप्लाई हो रहे हैं प्लांट को, और ये क्या दे रहा है? ऑक्सीजन देता है हमें, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं प्लांट के अंदर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। ये हमने इक्वेशन से दिखा रखा है इस प्रोसेस को। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। लीव्स के अंदर स्टार्च होता है, इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, और स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। बुज्जो हैज ऑब्जर्वड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बुज्जो ने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं है, बल्कि वे डीप रेड हैं, वायलेट हैं या ब्राउन हैं। तो क्या इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती? तो अभी हमने किया था फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या है? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। तो हमने स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लीव्स के अंदर हम इसकी प्रेजेंस को कैसे देखेंगे, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। हम दो पॉटेड प्लांट लेंगे एक जैसे, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इज सनलाइट। एक को हम डार्क में रखेंगे, एक को हम सनलाइट में रखेंगे, और इसमें हम आयोडीन टेस्ट करेंगे विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसे आपने क्लास 6 में स्टार्च के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें आप 2-3 बूंदे आयोडीन की डालेंगे। अगर उस पर
अगर उस पे ब्लैक कलर आएगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा तो ये पता चल जाएगी कि उसके अंदर स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। अभी बुज्जो का एक क्वेश्चन था कि उसने लीव्स देखी ऐसी जिसका कलर डीप रेड था, वायलेट था या ब्राउन था, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। इन लीव्स में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके अंदर जो ये रेड ब्राउन और जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं ये ग्रीन कलर को ढक लेते हैं, मास्क कर लेते हैं, मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। आपने पॉन्ड्स के किनारे पर या फिर जहां पर पानी रुका हुआ होता है वहां पे आपने ग्रीन पैचेस देखे होंगे ग्रीन कलर के। ये रेनी सीजन में प्लांट जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी बार्क पे भी दिखाई देते हैं, ये एल्गी होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। इनका ग्रीन कलर होता है, क्यों होता है इनका ग्रीन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से इनका ग्रीन कलर होता है। और दे आल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, वे अपना फूड बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने क्या किया फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स जो बाई प्रोडक्ट्स हैं या रिजल्ट है वो हमने क्या किया, ऑक्सीजन निकलती है इसमें और कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं। क्या प्लांट्स में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और कुछ नहीं बनता? इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप नाम से ही पता लगा सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें तीन चीजें होती हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इसमें पूछा है कि क्या प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स ये भी बनते हैं। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स क्या है? नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजन होती है इनके अंदर, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं चैप्टर में, ईयर में, नाइट्रोजन तो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लेकिन वो गैशियस फॉर्म में है, अबाउट 78% होती है हवा के अंदर नाइट्रोजन। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो जो हवा हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है गैशियस फॉर्म में होती है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इस फॉर्म में। सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इन द सोयल। सोयल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैशियस नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में बदल सकते हैं जिसको प्लांट्स यूज कर सके और उसको सोयल के अंदर रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। और ये जो यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की जो ये बैक्टीरिया सोयल के अंदर रिलीज करते हैं इनको प्लांट्स वाटर के साथ साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सोयल। आपने किसानों को देखा होगा वे खेतों में खाद डालते हैं, ऐसी खाद डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इस तरह से प्लांट्स अपनी जो नाइट्रोजन की उनकी जरूरत है उसको पूरा करते हैं और प्लांट्स इस तरह से प्रोटीन्स और विटामिन्स भी बना सकते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने किया ऑटोट्रॉपिक मोड होता है प्लांट्स का, वे अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हम इसके अलावा दूसरे मोड्स पढ़ेंगे जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड नहीं होता, उनके अंदर दूसरा तरीका होता है खाना बनाने का या खाना लेने का। देर आर सम प्लांट्स विच डोंट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथिसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो वे फूड बना नहीं सकते, तो वे कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? दे
यूज द हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स करते हैं ऐसे ही वे हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एडॉप्ट करते हैं। आप फिगर देखें 1.5 कैक्टस, इसका सिंपल नेम है अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। आप सड़क के किनारे घूमने जाते हैं तो आपको एक पेड़ दिखाई देता है, उस पेड़ के ऊपर येलो कलर की पतली पतली स्टेम सी दिखाई देंगी आपको, ये अमरबेल होती है, इसको हम कस्टूटा बोलते हैं। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री? दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। दिस डजंट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये येलो कलर की होती है। ये जिस प्लांट के ऊपर ट्विस्ट करती है, जिस प्लांट के ऊपर चिपकी हुई होती है, उसी से फूड लेती है। प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज कॉल्ड होस्ट, जिस प्लांट से पे ये टंगी होती है या चिपकी होती है उसे कहते हैं होस्ट। इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेती है। कस्क्यूटा क्या है, इसमें पैरासाइट है। और वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। पहली मांस टू नो वेदर मॉस्किटोज बेड बग्स लाइस एंड लीचेस दैट शक अवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स। क्या आप जानते हैं जो खटमल है, मच्छर है, जो बालों में जुए हो जाती है छोटी छोटी, और लीचेस जोक, ये हमारे ब्लड को चूसती हैं, ये भी पैरासाइट्स है। बदले में हमें क्या देती है, कुछ भी नहीं देती, सिर्फ हमारा खून चूसती हैं, तो क्या है ये पैरासाइट्स हैं। Have you seen or heard of plants that eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स को देखा है या कभी सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे कीट पतंगों को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं। आप फिगर देखिए 1.6, इसमें पिक्चर प्लांट दिखा रखा है, शोइंग लिड एंड पिक्चर, एनलार्ज करके साइड में दिखा रखा है। पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसके ऊपर एक लिड होती है पिक्चर के ऊपर, जब इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो ये बंद हो जाती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, पिक्चर के अंदर हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। जब कोई इंसेक्ट पिक्चर पर बैठता है इसकी, तो लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट अंदर चला जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टिव बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है कौन करता है, पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनके द्वारा इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डोंट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? ऐसा हो सकता है कि इन प्लांट्स को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जिस सोयल में वे ग्रो करते हैं वहां से वे इतने न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिलते, इसलिए ये इंसेक्ट्स खाते हैं। भूजो इज कंफ्यूज्ड, भूजो कंफ्यूज है कि पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। जब इसके ये ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो फिर भी ये इंसेक्ट क्यों खाता है? क्योंकि जो इसको न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए सोयल से, वो इसको नहीं मिल रहे ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए ये इंसेक्ट्स खाता है। इसको हम पार्शियल हिटरोट्रॉप बोलेंगे इसको। अब हम करेंगे सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ द मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आप सब्जी में मंडी में जाते हैं तो वहां आपने मशरूम्स के पैकेट देखे होंगे, क्या कैसे दिखाई देते हैं ये, अम्ब्रेला लाइक पैचेस growing in the moist soils or on the rotting wood during the rainy season. बारिश के दिनों में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है या लकड़ी का कोई बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है, तो उसके ऊपर अगर लकड़ी बहुत ज्यादा पुरानी है, तो
तो वहां पे अगर बारिश का पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो वो लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है उस पानी को, और उसके ऊपर छोटे छोटे अम्ब्रेला लाइक पैचेस बन जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम। अब हम देखेंगे कि वे कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वे कैसे सर्वाइव करते हैं। आप फिगर देख सकते हैं 1.7 पैकेट ऑफ मशरूम, ए मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। बुजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बुजो जानना चाहती है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्योंकि इनके टीथ नहीं होते जैसे एनिमल्स के होते हैं, और ग्रीन भी नहीं होते प्लांट्स की तरह ये, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और ये अपना फूड भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। हम एक ब्रेड का पीस लेंगे और इसको थोड़ा सा गीला करेंगे पानी से, इसको एक वॉर्म प्लेस पे रखेंगे 2-3 दिन तक। इसके ऊपर फ्लफी पैचेस दिखाई देंगे। कलर क्या है इन पैचेस का? ये थोड़ा सा सावले सावले से कलर के होते हैं, जैसे ग्रे कलर होता है ना, इस टाइप से होते हैं। इन पैचेस को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, क्योंकि वैसे नंगी आंखों से हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। सिर्फ हम नंगी आंखों से तो पैचेस देख सकते हैं, तो हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखाई देंगे ब्रेड के ऊपर। ये क्या है? फंगी है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वे ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये मोड न्यूट्रिशन का जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग मैटर, गले सड़े जो पदार्थ होते हैं, मैटर है, उससे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जिनके अंदर ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। कई बार जो अचार है, पिकल्स होते हैं, लेदर जैसे शूज होते हैं हमारे पुराने काफी टाइम तक रखे रहते हैं, क्लोथ्स हैं या दूसरी चीजें हैं जो काफी टाइम तक पड़ी रहती हैं से गर्म वेदर में लंबे समय तक, तो फंगी उनके ऊपर ग्रो कर जाती है। रेनी सीजन में तो ये हमारी बहुत चीजों को स्पॉइल कर देते हैं, जैसे हमारे कई बार शूज रखे होते हैं तो उनके ऊपर सफेद सफेद सी फफूंदी लग जाती है उसको, तो इसको बोलते हैं फंगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये फंगी आती कहाँ से है? जो फंगल स्पोर्स होते हैं हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब उन्हें कोई ऐसी वस्तु मिलती है जो वेट भी है और वार्म भी है, तो उसके ऊपर ये जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो करते हैं। पहेली स्कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजंस वर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। शी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, फंगल स्पोर्स होते हैं हवा के अंदर, और ये रेनी सीजन में जैसे मॉइस्ट वेदर होता है, वेट वेदर होता है, वार्म भी होता है उस टाइम वेदर, तो ये जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं और शूज इसके खराब हो जाते हैं इस तरह से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। बुजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस। ही वांट्स टू नो ही फंगी गोज डिजीज आल्सो। बुजो कहती है कि उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि उसके खेतों में, गेहूं के खेतों में एक बार फंगस की वजह से बीमारी फैल गई थी और उसका सारी जो फसल थी वो खराब हो गई थी। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। कुछ फंगी जैसे यीस्ट है, मशरूम है, दे आर यूजफुल, बट सम फंगी कोज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। लेकिन कुछ फंगी डिजीज कोज करती हैं। सम फंगी आर यूज्ड एज मेडिसिंस। कुछ फंगी एज ए मेडिसिन भी यूज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सिम्बायसिस। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल देंगे इसके हम। सर्टेन फंगी आर, दिस इज नोन एज सिम्बायसिस एंड रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी आर इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, कुछ प्लांट्स हैं जिसकी रूट्स के अंदर फंगस रहता है, तो प्लांट्स क्या देते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स देते हैं फंगस को, और फंगस क्या देता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हम एक एग्जाम्पल और करेंगे लाइकन्स का. इसमें क्या होता है, दो पार्टनर होते हैं इसमें. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एल्गी एंड ए फंगस लिव टुगेदर. एक तो होता है इसमें एल्गी जो कि क्लोरोफिल होता है एल्गी के अंदर, और दूसरा होता है फंगस. तो इसमें जो एल्गी है वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर, वो फूड बना सकता है, तो फूड देता है वो फंगस को. और फंगस क्या देती है उसको, वो इसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देते हैं. इस तरह से दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट देते हैं, तो इस रिलेशनशिप को बोलेंगे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोयल. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? आपने farmers को देखा होगा खेतों में fertilizers या manure spread करते हुए. You learned that plant absorb minerals and nutrients from the soil. आपने अभी अभी पढ़ा कि plants soil से mineral और nutrients लेते हैं, absorb करते हैं. So their amount in the soil keep on declining. तो उनका जो amount है nutrients का और मिनरल्स का, ये घटता जाएगा मिट्टी के अंदर. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स जो फील्ड्स में स्प्रेड करते हैं फार्मर्स, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल्स. तो बार बार हम इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि हमारी सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स से रिच रहे. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutritional requirement of plants. Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. कुछ crop plants ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा nitrogen absorb करते हैं और soil के अंदर nitrogen की कमी हो जाती है. Nitrogen हमारी air में gaseous form में है, लेकिन plants इसको इस तरह से use नहीं कर सकते जैसे कि carbon dioxide को use करते हैं. वैसे तो carbon dioxide भी gas होती है, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते. दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म. उन्हें नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए. तो इसके लिए क्या होगा, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. इट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म. बैक्टीरिया राइजोबियम है, नाम है इसका राइजोबियम. ये हवा की नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन राइजोबियम अपना फूड नहीं बना सकता. इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स. ये कहाँ रहता है, जड़ों में रहता है. किन किन प्लांट्स की जड़ों में, जो चने चने का पौधा होता है, मूंग का पौधा होता है, फली का पौधा होता है, मटर का पौधा होता है, इन पौधों की जड़ों में रहता है और उनको नाइट्रोजन देता है. इन रिटर्न बदले में क्या लेता है, ये उनसे फूड और शेल्टर लेता है. तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. तो मैंने आपको तीन एग्जांपल्स करा दिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के, लाइकन्स, और एक कराया था मैंने आपको फंगस जो प्लांट की जड़ों में रहते हैं. आप इसके ये एग्जांपल लिखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये राइजोबियम का, बैक्टीरिया का, और ये लाइकन्स का. दस दे हैव दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसानों के लिए. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स. इससे जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं किसान, इससे वे उनको कम यूज करना पड़ेगा फर्टिलाइजर, बहुत ही कम. वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहां पर ये दाल वाले पौधे बनते हैं इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स को, अगर हम फसलों को बार बार बदल बदल के लगाएंगे तो हमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स की बहुत कम जरूरत पड़ती है. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprophytic. They derive nutrition from other organisms. All animals are characterized as heterotrophs, since they depend on plants and other animals for food. तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं. केवल कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं
जो पैरासिटिक हैं या सेप्रोफिटिक हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हिटरोट्रॉप हैं, क्योंकि वे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय बच्चों, मैं आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इसके बाद कराऊंगी, इसकी सेकंड वीडियो में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।